ये कोई कूड़ा घर नहीं, एक ऐसी फैक्ट्री है जहां कचरे में फेंक दिए गए पॉलीबैगों से नए पॉलीबैग बनाए जाएंगे, यानी रिसाइकलिंग। इस तरह जिस बैग में आपने कूड़ा फेंका है वो एक दिन आपके घर किसी शक्ल और रंग में लौट भी सकता है। हमारे से कोई ये आते हैं ना, फेरी करने वाले ही आ जाते हैं और वो लेके हमारे चले जाते हैं, वो आगे फैक्ट्री वाले को सप्लाई कर देते हैं, फैक्ट्री वाले फिर दोबारा बना के फिर वो आगे दाना बना लेते हैं, दाना बना के फिर यही बनता है पोलोथीन, फिर दोबारा बन जाता है। फैक्ट्री में पहुंचाए जाने के बाद गंदगी से लिथड़े इन पॉलीबैगों की रिसाइकलिंग शुरू होती है। यहाँ मजदूर गंदगी और प्रदूषण के खतरनाक माहौल में पॉलीबैग के लुगदी तैयार करते हैं। इस समय हमारा माल आता है काफी गंदा होता है, तो उसमें हम फिर धोते हैं, धोने के बाद फिर हमारा माल सूख के ग्राइंडर पे जाता है, ग्राइंडर पे तो फिर मिक्सर में पड़ता है, मिक्सर में से फिर पड़ के मशीन में जाता है, मशीन पे से दाना बन जाता है। इन स्थितियों में बनने वाले पॉलीबैग पर्यावरण की दृष्टि से कितने नुकसानदेह होंगे इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। पर्यावरण की दृष्टि से पॉलीबैग का काफी दुष्प्रभाव है, क्योंकि पॉलीबैग कई चीजें करती हैं। एक तो नालियों को चोक करती हैं, इसका मतलब कि बैक फ्लो होता है सीवर का, आपके मच्छर ब्रीड करते हैं, मच्छर से तो आपको पता है क्या क्या होता है, मलेरिया डेंगू वगैरह। डॉक्टर की राय में पॉलीबैग का सबसे अधिक दुष्प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है, आदमी गंभीर बीमारी का शिकार हो सकता है। ये बात है कि जो हम पॉलीबैग्स को फूड स्टफ्स के साथ यूज़ करते हैं, खाने पीने की चीज़ें उसमें डालते हैं, तो जो पॉलीबैग्स के अंदर जो कलर्स की वजह से उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड कैडमियम और उसमें लेड होता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। पॉलीबैग के इन खतरों को देखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगी है। इस सिलसिले में हाईकोर्ट में हाल ही में जनहित याचिका भी दायर की गई है। याचिकाकर्ता डॉक्टर बधवा के मुताबिक पॉलीबैग पर प्रतिबंध के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। सरकार का जो एटीट्यूड है पब्लिक की दिक्कतों को समझने का और उस पर कुछ करने का, वो इतना कैवेलियर है, इतना घटिया है कि मुझे ये पढ़ के दुख हुआ। डॉक्टरों और पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि पॉलीबैगों से होने वाले नुकसानों को कम किया जा सकता है, बशर्ते इनका लोभ मोह छोड़ दिया जाए। यही एक सुझाव है कि इसका हम यूज़ कम करें। कोई भी चीज़ ऐसी तो है नहीं इसमें कि जिसके बिना हमारा काम ना चल सके। आप बैग्स यूज़ करते हैं उसका आप जूट का बैग ले लीजिए, आप पेपर का बैग ले लीजिए, रिसाइकल पेपर के भी बैग्स मिलते हैं रीइंफोर्स्ड मोटे, तो आपके बैग टूटेंगे भी नहीं और आपका काम भी चल जाएगा। पॉलीबैग सुविधाजनक है और सुविधाजनक हो सकते हैं, लेकिन इस सुविधा के लिए हमें हर पल अपनी सेहत और पर्यावरण से समझौता करना पड़ रहा है।